दोस्तों, घर घर होता है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और दोस्तों, दुनिया में आपको कितनी भी परेशानी हो, घर ही एक ऐसी जगह है जहां आके आपको सुकून मिलता है। और दोस्तों, आपको यही सुकून देने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 250 गज में बना हुआ 5 BHK का अल्ट्रा लग्जरी डुप्लेक्स विला। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ लोकेशन की, तो आज मैं आपको लेके आया हूँ सेक्टर 125 न्यू सनिन क्लब मोहाली में। पूरा जो डेवलप एरिया है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला। मैंने आपको बताया 5 BHK का जो डुप्लेक्स विला है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसमें कि 2 बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएंगे, 2 बेडरूम आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएंगे, 1 बेडरूम आपको सेकंड फ्लोर पे मिल जाता है और एक ओपन टेरेस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सबसे पहले जैसे मैं आपको बताया, एक जो डेवलप एरिया है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला। आप देख सकते हैं प्रॉपर जो रोड्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, प्रॉपर जो डेवलप एरिया है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसके आउटर की, आप देख सकते हैं बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत जो फ्रंट एलिवेशन है वो इस विला का आपको मिलने वाला है। तो अगेन वही सुकून जो आप ढूंढना चाहते हैं इस घर में आपको मिल सकता है। आप देख सकते हैं जो डार्क कलर थीम है वो यहाँ पे यूज़ की गई है आउटर में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके स्टार्टिंग एरिया की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा रैंप आपको मिल जाता है, रफ रैंप यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिससे कि आपकी कार इजीली पार्किंग एरिया की तरफ आ सके। और यहाँ पे आप देखेंगे जो स्लाइडिंग गेट है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ताकि एक साइड ओपन हो और इजीली अगेन आपकी कार पार्किंग तरफ आ सके। छोटा गेट आपको मिल जाता है रेगुलर यूज के लिए। यहाँ पे आता है आपका पॉर्च एरिया, यानी कि आपका पार्किंग एरिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कार इजीली आप पार्क कर सकते हैं। अगर छोटे साइज की कार है, अगर आपके पास बड़ी SUV गाड़ी है तो एक गाड़ी इजली यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। और गाड़ी के अलावा अगर आपके पास 2 व्हीलर भी हैं तो यहाँ पे भी आप उसको इजली पार्क कर सकते हैं। इस एरिया को ग्रीन एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं या किचन गार्डन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है अंडर वाटर स्टोरेज टैंक, यानी कि स्टोरेज काफ़ी मिलने वाली है अगर आप पानी स्टोर करना चाहते हैं। ओवरहेड जो टैंक्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। और यहाँ पे आता है इसका मेन एंट्री डोर, बट उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे जो इसकी सीलिंग है, इसको भी डिजाइनर सीलिंग तैयार किया गया है, यानी कि जैसे आप घर के अंदर एंटर करते हैं यहाँ भी देखने में खूबसूरत यहाँ पे लगने वाली है। प्रोफाइल लाइट्स आपको मिल जाती हैं, LED लाइट्स इस पे आपको मिलने वाली हैं। और यहाँ पे आती है वॉल, आप देखेंगे डिजाइनर वॉल यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफी लग्जरी जो विला है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो ये हमारा मेन एंट्री डोर रहेगा। बट उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैश डोर आपको मिलने वाला है, बट ये भी काफी सॉलिड, काफी सिक्योर डोर आपको मिल जाता है ग्लास के साथ, जाली के साथ। उसके बाद यहाँ पे आता है इसका मेन एंट्री डोर, तो आप ये देखेंगे काफी खूबसूरत मेन एंट्री डोर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। स्मार्ट लॉक यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिससे कि आप कीपैड से, आपके फिंगरप्रिंट से या की से किसी भी तरह इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इस विला के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं हमारी मेन विला की एंट्री की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा फॉर एरिया। इससे पहले कि फ्रेंड्स हम आगे बढ़े, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली ऐसी अमेजिंग वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे फॉर एरिया की जो वॉल है, इसको भी डिजाइनर वॉल तैयार किया गया है, मिरर्स इसमें दिए गए हैं, उसके अलावा लाइट्स यहाँ पे दी गई है। अगेन रात में बहुत खूबसूरत यहाँ पे लगने वाला है। और राइट हैंड साइड में जैसे हम एंटर करते हैं, यहाँ पे आता है आपका ड्राइंग एरिया। एक सेपरेट ड्राइंग एरिया दे दिया गया है, जिसमें कि पार्टीशन आपको मिल जाएगी, डिजाइनर वॉल यहाँ पे आपको मिलने वाली है, काफी खूबसूरत प्री फिटेड AC की पाइपलाइन यहाँ पे आपको मिलने वाली है, सुंदर सा जो शैंडिलियर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे LED लाइट्स, कंसील लाइट्स और प्रोफाइल लाइट्स आपको मिलने वाली है सीलिंग पे। थोड़ा सा मैस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो फाइनल सफाई का काम है वो पेंडिंग है, बाकी ऑलमोस्ट ये जो घर है तैयार है। और यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी सी विंडो आपको मिलने वाली है, इस विंडो से आपको प्रॉपर सनलाइट मिलती रहेगी, प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। और जैसे मैंने आपको बताया, ये पार्टीशन यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो आप यहाँ पे देखेंगे पार्टीशन को भी काफी सुंदर डिजाइन से डिजाइन किया गया है, ताकि देखने में अच्छी लगे। और ठीक सामने यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है आपका लिविंग एरिया, यानी कि आपका फैमिली एरिया। तो यहाँ पे इजिली अपना जो लिविंग एरिया है उसका सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हैं। और सामने यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ भी पूरी ही वॉल को डिजाइनर वॉल बनाया गया है, बड़े बड़े मिरर्स यहाँ पे दिए गए हैं। कलर कॉम्बिनेशन में बात करूं, जो ड्यूअल कलर थीम है वो यहाँ पे यूज की गई है, ग्रे और व्हाइट कलर यहाँ पे यूज किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे काफी स्टोरेज आपको मिलने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये था हमारा फैमिली लाउंज एरिया। उसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ डाइनिंग एरिया की तरफ, बट उससे पहले यहाँ भी आप देखेंगे अगेन
यहाँ भी सीलिंग को बहुत ही सुंदर खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। अगेन प्रोफाइल लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ठीक सामने यहाँ पे आता है आपका डाइनिंग एरिया, काफी बड़ा स्पेशियस डाइनिंग एरिया आपको मिलने वाला है, जहाँ 8 से 10 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट इजिली आप कर सकते हैं। इस वॉल को भी प्रॉपर डिजाइन किया गया है, सुंदर बनाया गया है, लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं, और आप देखेंगे जो डबल हाइट की जो का जो डाइनिंग एरिया है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, डबल हाइट की सीलिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले कैबिनेट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और इवन इन कैबिनेट्स के अंदर भी आपको प्रोफाइल लाइट मिलने वाली, यानी कि अगर आप कोई शोकेस करते हैं काफी सुंदर यहाँ पे दिखने वाला है। और ठीक सामने यहाँ पे आता है आपका मॉड्यूलर किचन, फुल्ली जो इक्विप्ड है सारे इक्विपमेंट्स के साथ, ये जो मॉडर्न किचन है, मॉड्यूलर किचन आपको मिलने वाला। आप देख सकते हैं आपका माइक्रोवेव, आपका ओटीजी, उसके अलावा यहाँ पे काफी स्पेस आपको मिलने वाला है आपकी स्टोरेज के लिए, और यहाँ पे डबल सिंक आपको मिल जाएगी। ठीक सामने यहाँ पे विंडो भी आपको मिलने वाली है आपके किचन में, अगेन यहाँ वेंटिलेशन बनी रहेगी, हॉब आपको मिलने वाला है, उसके अलावा चिमनी आपको मिलने वाला है। ब्रांड्स का भी काफी ध्यान रखा गया, काफी अच्छे ब्रांड्स के जो इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, और मैंने आपको बताया मॉड्यूलर किचन है, तो सारे ही जो भी आप कैबिनेट्स देखेंगे सॉफ्ट क्लोजर के साथ यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों किचन के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि हमें मिलने वाला है ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पे आता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। स्पेस अगर आप देखेंगे काफी बड़ा और काफी स्पेशियस जो बेडरूम है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, पूरी ही डिजाइनर वॉलपेपर के साथ यहाँ पे आपको मिलने वाली है, एसी की प्रीफिटेड पाइपलाइन आपको मिलने वाली है, डिजाइनर लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, आपका ड्रेसिंग एरिया का स्पेस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और मैं बात करूं आपके स्टोरेज एरिया की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी जो स्टोरेज है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, स्लाइडिंग वार्डरोब्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, इवन फुल हाइट की जो वार्डरोब्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, टीवी पैनल यहाँ पे आपको मिल जाता है, और फॉल सीलिंग की अगर आप देखेंगे यहाँ भी डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे आता है इसका अटैच वॉशरूम, आप देखेंगे वॉशरूम का साइज भी काफी डिसेंट साइज आपको मिल जाता है, इवन फुल हाइट की जो टाइल्स है वॉल पे वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है, वैनिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और एंटी स्किड टाइल्स आपको मिल जाएंगी फ्लोर पे। और इस डोर से आपको एंट्री मिलती है बैकयार्ड में आने के लिए, तो एक क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक अच्छा जो बैकयार्ड है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपके पास वॉशिंग मशीन का सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ आप वॉशिंग मशीन का सेटअप इजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट बेडरूम के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे आता है हमारा सेकंड बेडरूम। स्पेस की अगर मैं बात करूँ ये उससे भी बड़ा स्पेस यहाँ पे आपको मिलने वाला है, हमारे फर्स्ट बेडरूम से भी बड़ा। अगेन यहाँ भी वॉलपेपर के साथ आपको एक वॉल मिलने वाली है, डिजाइनर लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, एसी की लाइट प्रीफिटेड पाइपलाइन यहाँ पे आपको मिलने वाली है, अगेन स्टोरेज फुल हाइट की स्टोरेज यहाँ पे आपको मिलने वाली है, स्लाइडिंग वार्डरोब्स यहाँ आपको मिल जाएंगी, लाइट्स मिल जाती हैं आपको वार्डरोब्स के अंदर, और स्टोरेज आप काफी कर सकते हैं क्योंकि फुल हाइट की स्टोरेज रहेगी, ड्रेसिंग एरिया का स्पेस आपको मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आता है इसका टीवी पैनल, और अगेन फॉल सीलिंग आप देखेंगे यहाँ भी प्रोफाइल लाइट्स कंसील लाइट्स आपको मिलने वाली है, और यहाँ पे आता है इसका अटैच वॉशरूम, अगेन यहाँ भी एक बड़ा स्पेशियस वॉशरूम आपको मिलने वाला है, उसी के साथ आप देखेंगे फुल हाइट की टाइल्स आपको मिल जाती है पूरी ही वॉल पे। और दोस्तों फर्स्ट बेडरूम की तरह ही इस डोर से आपको एक्सेस मिलती है बैकयार्ड में आने के लिए, और यहाँ पे विंडो आपको मिल जाती है, मैश विंडो आपको मिल जाती है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन प्रॉपर सनलाइट इस बेडरूम में आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड बेडरूम, और यहाँ पे हमने कवर किया हमारा ग्राउंड फ्लोर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो ये इंटरनल स्टेयर्स आप देख रहे हैं, यहीं से हमें एक्सेस मिलती है हमारे फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। आप देखेंगे स्टील की जो हैंड रेलिंग है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, टफन ग्लास यहाँ पे आपको मिल जाता है आपकी सेफ्टी के लिए। इवन यहाँ पे आप देखेंगे पूरी ही वॉल को डिजाइनर वॉल यहाँ पे बनाया गया है। अगेन यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं, रात को देखने में ये भी बहुत खूबसूरत यहाँ पे लगने वाली है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी ट्रायंगल शेप्स पे विद लाइट्स के साथ जो डिजाइन है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ भी ड्यूअल कलर टोन आप देखेंगे यूज की गई है वॉल पे, लाइट कलर और जो डिजाइन है इस पर डार्क कलर यूज किया गया है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही जो रॉयल लुक का एक शैंडलियर है वो बीचों बीच आपको मिल जाता है। इवन डे लाइट के लिए प्रोविजन आपको दिया गया है ताकि दिन में प्रॉपर जो डे लाइट है वो आपके घर को मिलती रहे। टफन ग्लास के साथ एक सिक्योर जो लोहे का जाल है वो यहाँ पे दिया गया है। और अगेन जैसे मैं आपको बताया था डिजाइनर वॉल मिल जाती है, तो पूरे ही जब तक आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं पूरी ही वॉल पे डिजाइन आपको मिलने वाले हैं। और घर में मंदिर जरूर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा रूम आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत डिजाइन वाला जो पूजा रूम है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था ग्राउंड फ्लोर पे आपको फैमिली लाउंज एरिया मिलता है। अगर आप वहाँ पे अपना फैमिली लाउंज एरिया सेटअप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी काफी बड़ा स्पेस आपको मिल जाता है, तो यहाँ भी अपना फैमिली लाउंज एरिया आप सेटअप कर सकते हैं। और ये वही डबल हाइट की सीलिंग है जो हमने देखी थी हमारे डाइनिंग एरिया से। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी बीचों बीच एक खूबसूरत सा जो शैंडलियर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, अगेन देखने में खूबसूरत यहाँ पे लगने वाला है।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ, जो हमें मिलता है हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ भी एक डिसेंट साइज का बेडरूम आपको मिलने वाला है। डिजाइनर वॉल यहाँ पे आपको मिल जाएगी वॉलपेपर के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे लाइट्स आपको मिलने वाली है डिजाइनर। और अगर मैं बात करूँ टीवी पैनल की, टीवी पैनल यहाँ भी आपको मिल जाएगा। सीलिंग की अगर मैं बात करूँ प्रोफाइल लाइट्स के साथ डिजाइनर फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है। यहाँ भी ध्यान रखा गया है प्रॉपर वेंटिलेशन का, प्रॉपर सनलाइट का। तो बड़ी सी विंडो यहाँ पे आपको मिलने वाली है और इस डोर से आपको एक्सेस मिल जाती है बैक बालकनी में आने के लिए। और यहाँ पे भी आपको ड्रेसिंग एरिया का स्पेस मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ड्रेसिंग एरिया स्पेस आपको मिल जाएगा। रनिंग जो वार्डरोब्स है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले, रनिंग क्लोजेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो काफी बड़ी स्टोरेज यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बात करूँ इसके अटैच वॉशरूम की, तो यहाँ पे आता है इसका अटैच वॉशरूम। डार्क कलर थीम के साथ ये वॉशरूम आपको मिलने वाला है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ, अगेन जो हमें मिलने वाला है फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे आता है हमारा फोर्थ बेडरूम। यहाँ भी अगर आप देखेंगे एक अच्छा स्पेस आपको मिलने वाला है। वॉलपेपर पूरी ही वॉल पे आपको मिल जाएगा, डिजाइनर लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ऑलमोस्ट आप देखिए कंसेप्ट सेम रहेगा हर बेडरूम का। डिजाइनर फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और यहाँ से एक प्लस पॉइंट की, यहाँ से जो फ्रंट बालकनी है उसकी एक्सेस आपको मिल जाती है। तो फ्रंट बालकनी में आप इस बेडरूम से इजीली एक्सेस पा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी जो बड़ी सीटिंग अरेंजमेंट है वो इजीली आप कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी बालकनी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, 8 से 10 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट इजीली आप कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट जो डेवलप एरिया है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है पूरे ही एरिया में। तो उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है इसके स्टोरेज एरिया की। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे काफ़ी बड़ा स्टोरेज एरिया आपको मिलने वाला है। इवन ड्रेसिंग एरिया का स्पेस आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे फुल हाइट की वार्डरोब्स आपको मिलने वाली है। और यहीं से आप देखेंगे यहाँ पे आता है इसका अटैच वॉशरूम। तो ये आपको मिल जाएगा इसका अटैच वॉशरूम। तो यहाँ भी आप देखेंगे ड्यूअल कलर टोन यूज की गई है। काफी सुंदर सा जो वैनिटी है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और फुल हाइट की टाइल्स आपको मिल जाएंगी वॉल पे। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं हमारा फर्स्ट फ्लोर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकेंड फ्लोर की तरफ। बट उससे पहले फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटी सी पेंट्री भी आपको मिल जाती है, यानी कि अगर आपकी फैमिली फर्स्ट फ्लोर पे है तो इजिली अगर अपना टी कॉफी है जो अपना खाना है वो इजिली यहाँ पे आप कुक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम आते हैं हमारे बैकयार्ड में, जो कि हमें मिलने वाला है फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ भी सिटिंग अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ भी ओपन एरिया आपको मिल जाता है। और ये जो आयरन की स्टेयर है ये जाती है सीधा हमारी सेकंड फ्लोर की तरफ, जहाँ आपको एक और रूम विद अटैच वॉशरूम के साथ मिलता है। अगर आप उसको सर्वेंट रूम बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास फुल टाइम सर्वेंट है वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने बच्चों के लिए स्टडी रूम बना सकते हैं, टॉयस रूम बना सकते हैं, जैसे भी चाहे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा एक बड़ा सा ओपन टेरेस आपको मिल जाएगा, आपकी जो वाटर टैंक्स हैं वो वहाँ पे आपको मिलने वाला। तो दोस्तों ये था 250 गज में बना हुआ 5 BHK का अल्ट्रा लग्जरी डुप्लेक्स विला। और जैसे मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग बताया था, अगर आप सुकून की तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो सुकून आपको इस घर में मिले। तो जल्दी से मुझे कॉल कीजिए अगर आप इस घर को विजिट करना चाहते हैं, इस एरिया के बारे में जानना चाहते हैं या इसकी जैसी और प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हैं चंडीगढ़ के आसपास। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार।